हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनवाला चोटेक में। दोस्तों, यहाँ पे बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकंड ईयर एग्जामिनेशन अंदर जो 2021 के अंदर जो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर आ चुका है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी बीएससी सेकंड ईयर के अंदर एग्जाम देंगे स्टूडेंट, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो राजस्थान के अंदर, सभी यूनिवर्सिटी में ये पेपर महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो ये पेपर वैसे तो है शेखावटी यूनिवर्सिटी की तरफ से, बट सभी में ये पेपर काम आने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इसमें पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और कितने प्रश्न आपको टोटल करने होंगे। कोई 3 प्रश्नों के आपको उत्तर इसमें देने होंगे। सभी प्रश्न 6 से 1/2 यानी कि 6.5 अंक के हैं और 1/2 आपको राइटिंग का मिलेगा, यानी कि सही आप तरीके से सोच था अब रखेंगे कॉपी में के अंदर, तो आपको आधा नंबर और मिल जाएगा। टोटल मिला के 20 नंबर हो चुके हैं। तो 20 नंबर के आपको क्वेश्चन करने होंगे इस पेपर में। ये तो था आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स, पहले बता रहा हूँ कि आप जहाँ भी मैक्सिमम मार्क्स दिखे वहीं रुक जाना, मैक्सिमम मार्क्स के ही क्वेश्चन करना है, 20 नंबर से आपको अधिक नहीं करने हैं। यहाँ पे आपको इस बार मैक्सिमम मार्क्स दिखाई देगा, तो मैक्सिमम मार्क्स जितने होंगे उसी प्रकार आप क्वेश्चन पेपर में करेंगे। टाइम अलाउ आपका 1.5 घंटे का रहने वाला है। 20 नंबर से आपसे आगे मत जाना, नहीं तो नंबर आपके कट सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट का फर्स्ट है, वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसके हम बात करेंगे। मैक्सवेल के चार ऊष्मा गति के संबंधों के निगमित कीजिए। बी है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने पर एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, उसे कार्नो चक्कर का वर्णन कीजिए। कार्नो चक्कर का वर्णन कीजिए तथा कार्नो इंजन की दक्षता का व्यंजन उत्पन्न कीजिए। उसके बाद में बी है क्लाइस क्लेपिरोन समीकरण की सहायता से ठोसों व द्रवों के क्वथनांक एवं गलनांक पर दाब के प्रभाव को समझाइए। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर आप आगे देखते रहना। उसके बाद में जो तीसरा है, इसके अंदर आपको जूल थॉमसन प्रभाव को परिभाषित कीजिए। निम्न व्यंजक उत्पन्न कीजिए जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। उसके बाद में बी है किसी गैस की एंथैल्पी जूल थॉमसन प्रभाव के पूर्व व पश्चात क्रमशः 90 कैलोरी व 120 कैलोरी है। यदि निर्गत द्रव की एंथैल्पी 50 कैलोरी हो तो गैस का कितना अंश द्रवित होगा। ये है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। अब के हम नेक्स्ट बात करेंगे जो फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में जो फर्स्ट है उसके दे रखा है, तो ये रहेगा आपका 4.5 नंबर का, 1.5 नंबर प्लस 3 नंबर। तो इसमें मैक्सवेल का आणविक वेग वितरण नियम क्या है। इस नियम से गैस के अणुओं की औसत चाल, वर्ग माध्य मूल चाल तथा अधिकतम प्रसंभाव्य चाल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ यानी कि 2.76 × 10⁻⁵ मीटर है। तो यदि अणु का व्यास 3 एंगस्ट्रॉम है तो गैस का दाब ज्ञात कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फाइव क्वेश्चन, इसमें दे रखा है ऊर्जा के, ये भी आपका 4.5 नंबर का है। ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। इसके उपयोग से किसी कंबाइन द्वि परमाणु गैस के विशिष्ट ऊष्मा का व्यंजक उत्पन्न कीजिए तथा ताप के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, यदि आइंस्टीन आवृत्ति का मान 3 × 10⁻³ हर्ट्ज हो तो आइंस्टीन ताप की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, इसके अंदर दे रखा है सिक्स का जो पहला, ये 3.5 नंबर का है। सिद्ध कीजिए कि एक परमाणु आदर्श गैस के लिए समीकरण फलन यानी कि फलन का मान होता है, ये आपका समीकरण है। प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ के सामान्य है, अर्थ सामान्य है, 3.5 नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद में बी है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, किसी निकाय के ऊर्जा स्तर E1 = 0 तो E2 = 1.38 × 10⁻¹⁷ जूल तथा E3 = 2.76 × 10⁻¹⁷ जूल है। यह तीनों स्तर क्रमशः 2, 5, 4 विभिन्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। 100 केल्विन ताप पर प्रायिकता का
प्रायिकता की गणना कीजिए जब निकाय है, यानी कि ये आपको ये तीन पॉइंट दे रखे हैं, एक तो E2 ऊर्जा की किसी स्थूल अवस्था में, एक है E3 ऊर्जा की किसी स्थूल अवस्था में है, और एक है मूल अवस्था में। तो दोनों में अंतर है, E2 है यहाँ पर, E3 है, देख लेना ध्यान से जो भी स्टूडेंट है इस लेवल का। उसके बाद में 7 है, फर्मी डिराक वितरण नियम की स्थापना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 5.86 × 10 की पावर 28 मीटर प्रति, यानी कि 28 प्रति मीटर क्यूब है, तो फर्मी ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जहाँ पे इसका एच बराबर ये समीकरण है, तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, 8वां का जो पहला है, बोस आइंस्टीन वितरण नियम की स्थापना कीजिए। ये 2019 वाला जो पेपर था उसमें भी कई क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, और 2018 वाले में भी हैं, उसमें भी कई क्वेश्चन पुटअप हैं, यानी कि पिछले जो भी पेपर हैं उनसे ही ये पेपर आ रहे हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा पिछले पेपर वो भी देख लेना। बी है, फर्मी डिराक या बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार निम्न कणों का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पे आपका पेपर फर्स्ट तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको BSc जो सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 वाला फिजिक्स का सेकंड पेपर भी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और प्लस टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलेगी। थैंक यू।